नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका सर मित्र, आपका दोस्त रोबिन सिंह आपके लिए एक बार फिर नई वीडियो लाया हूं। तो आज जो मेरी वीडियो है वो है सितंबर टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो इसमें मैंने पार्ट वन कवर किया है। इसके अलावा अभी आने वाले टाइम में, अभी जल्दी आपको एक दो दिन में पार्ट टू और पार्ट थर्ड आपको सामने आ जाएंगे। तो मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार किया है। तो जो बच्चे, मैं सबको पहले सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो ये कर लें वो कि एक रेड कलर का नीचे बटन आ रहा होगा वीडियो का सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। और इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो मैं रोबिन सिंह आपके सामने एक अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। इसके अलावा आपके सामने अक्टूबर के भी करंट अफेयर्स आएगा, जून जुलाई अगस्त, मतलब सबका महीने वाइज करंट अफेयर्स आएगा मंथली बेस। तो जो बच्चों को अगर ये मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी वीडियो लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, अंडर विच मिशन द गवर्नमेंट हैज स्पेंड ₹3.5 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर टू प्रोवाइड पाइप वाटर कनेक्शन हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल जीवन मिशन। तो ये मोदी जी ने अभी 73, जो अभी 15 अगस्त को 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उसमें कहा था मोदी जी ने कि मुझे 2024 तक हर घर में जल के नल के जरिए पानी पहुंचाना है, मोदी जी के लक्ष्य है। और केंद्र और राज्य सरकार इसमें साथ मिलकर काम करेंगी, जो हर घर जल मिशन है और ये जो है पाइप के जरिए पानी पहुँचाने का काम करने का काम करेगा। और इसमें जो खर्चा आया 3.5 लाख का खर्चा आया गवर्नमेंट का, तो ये अच्छी योजना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए बी एम जी आर एस बी वाई वाज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये है महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। तो जो राजस्थान सरकार है उस टाइम कौन है इसके मुख्यमंत्री राजस्थान के, अशोक गहलोत जी। ये योजना पहले चलती थी भामाशाह योजना एक राजस्थान में, और आयुष्मान भारत योजना जो चली है, तो इन दोनों को मिक्स करके ये योजना बनी है जिसका नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो है 1 करोड़ 10 लाख परिवार को इसमें मुफ्त इलाज मिलेगा, ये योजना है और राजस्थान सरकार की ये योजना है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वहाँ के। अगली क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, वाई विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम विल बी मेड अवेलेबल टू द 100 सिटीज। तो जो ये 100 सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम, तो ये कौन से सन तक, इसका सही आंसर है 2022। तो एक आयुष्मान भारत योजना है, आप जानते हैं उसे। तो वो क्या है, जो BPL धारक, जो मतलब गरीबी रेखा में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा कवर कराएगी भारत सरकार आयुष्मान योजना के तहत। जो BPL कार्ड में आते हैं, 5 लाख का उनका प्रत्येक परिवार का एक स्वास्थ्य बीमा होगा। इसमें 10 करोड़ तो BPL धारक हैं, वो पूरे भारत में टोटल 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। तो भारत सरकार की ये अच्छी योजना है। स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन है, हमारे हर्षवर्धन गुप्ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाइव क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल इन आंध्र प्रदेश। तो जो ये आंध्र प्रदेश में एक सुरंग का ये टनल का इस्तेमाल किया गया, तो ये कौन किस चेरोपल्ली और रापरू स्टेशन के बीच 6.6 किलोमीटर की दूरी है। और 28 अगस्त 2019 को भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, 60 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इन दोनों जगह के बीच में। और इसकी लागत कीमत है 437 करोड़ का लगभग, इसमें लागत कीमत आएगी भारत सरकार की। तो आपको पता ही होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, YS रेड्डी हैं, और उनकी पार्टी कौन है, YS कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल हु विजिट इंडिया रिसेंटली। इंटरपोल एक पुलिस संस्था है, खुफिया पुलिस संस्था जिसे माना जाता है वर्ल्ड की। तो उसके महासचिव कौन है, जुगरेन स्टोक, जो कहाँ आए थे, अभी भारत आए थे। और उन्होंने कहा है कि भारत में अभी इंटरपोल, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरपोल का, लियोन फ्रांस में पड़ता है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस में पड़ता है। और इसके महासचिव कौन है, ये जुगरेन स्टोक हैं। और ये इन्होंने अभी सरकार, भारत सरकार से बात की है, तो भारत सरकार ने इनसे आश्वासन लिया है कि 2022 में जब क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस की 150वीं जयंती पर इंटरपोल की सभा होगी, इंडिया में कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द इंटरनेशनल स्नैक फेस्टिवल 2019 हेल्ड। कहाँ हुई है स्नैक फेस्टिवल, तो स्नैक फेस्टिवल जो हुआ है अभी आपको बताएं, ये हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। और ये कहाँ हुआ है, मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो के जो, हैदराबाद मेट्रो के जो अध्यक्ष हैं NVS रेड्डी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है अमरपीत मेट्रो रेलवे स्टेशन पर। और ये 3 दिवसीय स्नैक फेस्टिवल चला था। और आपको पता है कि तेलंगाना क्या है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव जी हैं। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद।
और ये किससे कटकर बना है, ये आंध्र प्रदेश से कटकर राज्य बना है 2014 में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अनेबल्ड द नेशन वोटर सर्विस पोर्टल एंड वोटर हेल्पलाइन ऐप इन न्यू दिल्ली। तो अब ये बताना है हमें कि जो अभी चुनाव आयोग ने करा है तो ये इसके कौन है, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ने इसका उद्घाटन किया है। तो सुनील अरोड़ा कौन है, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, और दो तीन होते हैं इसमें, तो एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं उनके साथ के, तो उनके मतलब चुनाव आयुक्त जी ने कहते हैं, तो उन एक तो हैं अशोक लवासा जी चुनाव आयुक्त, और इसके अलावा एक है सुशील चंद्रा जी। तो दो तो चुनाव आयुक्त हो गए, एक अशोक लवासा जी, एक सुशील चंद्रा जी, और मेन मुख्य कौन है, सुनील अरोड़ा जी, इन्होंने उद्घाटन किया है वेरिफिकेशन ऐप का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नेम द कल्चर इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाई द हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी टू शोकॉज पैसिफिक रीजन कल्चर इन इंडिया। तो क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा नमस्ते पैसिफिक। आपके सामने खुल गया है नमस्ते पैसिफिक। तो आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि ये किस चीज़ के लिए, मतलब संस्कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। न्यूजीलैंड इसमें एक कंट्री थी, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, मतलब कैपिटल, वेलिंगटन। फिजी की क्या है, सुवा। फिजी की राजधानी सुवा, और पापुआ न्यू गिनी की है पार्ट मार्शल, पार्ट मार्शल। तो आपको ये चारों की राजधानी पता होनी चाहिए। नमस्ते पैसिफिक इनका वो था। 10 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, वेयर वाज द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एबैब हेल्ड। तो ये इलेक्शन बॉडीज का भी आपको पता ही है कि कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बेंगलोर कर्नाटका। तो अभी आपको मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, सुनील अरोड़ा जी, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ये एब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का एक कॉन्फ्रेंस है इनका सारे इलेक्शन वालों का, तो इसका वो होता है कर्नाटका में इसका माना गया है। सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो बेंगलोर में मौजूद रहे थे, इन्होंने इस सभा का उद्घाटन किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं, विच सेक्टर इज द सेट टू रिसीव बाई ₹25,000 करोड़ फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो जो अभी हमारी गवर्नमेंट कौन है, भारत की गवर्नमेंट है जो मोदी जी की, उन्होंने मत्स्य पालन जिसे कहते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को सुधार लाने के लिए 5 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ का इसमें निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे क्या होगा, हमें ये पता है कि जो मत्स्य पालन होता है, मतलब फिशरीज पालन जो होता है, ये किस चीज़ में आता है, ये आता है ब्लू रेवोल्यूशन, मतलब ब्लू रेवोल्यूशन का लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसमें भी मदद करेगा ये, और मत्स्य पालन फिशरीज में सुधार लाने के लिए 5 वर्षों में 25,000 करोड़ का निवेश किएगी भारत सरकार। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, साथी एक ऐप है जो अभी न्यू रिसेंटली थी, इसमें ए स्टैंड फॉर क्या है। तो साथी में आपके सामने आ गया है कि ए स्टैंड फॉर है एनालिटिकल, ठीक है। तो आपके सामने फुल फॉर्म है पूरी, आप पढ़ सकते हैं। तो साथी ऐप जो अभी लॉन्च हुई थी उसका फुल फॉर्म है आपके सामने इस प्रकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो में मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 है ये सितंबर का, 200 क्वेश्चन मैं सारे इसमें सारे पार्ट में कवर करूंगा। इस पार्ट में आपको देख सकते हैं जितने क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 13 क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार आने वाला है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ जेल टर्म इज प्रपोज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एज पर द ड्राफ्ट बिल टाइटल्ड द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिश प्रोविजनल ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019। तो कितने साल की, मतलब आप इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को अगर आप, मतलब जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या हो, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं शुरू, तो नुकसान होता है डॉक्टरों का। तो अगर आप कोई ये वायलेंस करेगा, तो एक बिल पास हुआ है आपके सामने जो लिख रहा है, बिल पास हुआ है, अगर कोई भी डॉक्टर की संपत्ति को नुकसान या डॉक्टर के कर्मचारी जो भी आपकी हेल्थ को ऑपरेशन या कुछ कर रहे हैं, तो आपको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और ये ध्यान रखना, ये नॉन, मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगी और 10 साल की कारावास भी मिलेगी आपको, 10 साल की जेल। तो समझ सकते हैं आप। विच कंट्री टुक ओवर द चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एबैब फॉर द 2019-21 टर्म फ्रॉम रोमानिया। तो आप समझ सकते हैं जो अभी 2021 तक भारत को इसकी मेजबानी मिल गई है, किसकी, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। 21 में शायद चाइना को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले भारत ने ले ली है 19 से 21 लो। और इसके जो चीफ बैठेंगे, तो वो बैठेंगे प्रकाश जावेकर जी इसके हेड होंगे, जो 2 साल के इस पर
मतलब हमारा जो हेड होंगे वो होंगे प्रकाश जावड़ेकर जी, और भारत इसका चेयरपर्सन हो गया है 2 साल तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम ऑफ द मल्टीप्लीकेट ऐप लॉन्च फॉर द फार्मर टू कनेक्ट विद द कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर लोकेटेड विद 50 किलोमीटर रेडियस। तो जो ये ऐप है वो किसानों के लिए है और इस ऐप में एंड्रॉयड डिवाइस के लिए उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है CHC फार्म मशीनरी। इस ऐप का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा कृषि मंत्रालय है, जो कौन है मिनिस्टर एग्रीकल्चर, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने क्या किया है कि ये सरकार खुद एग्रीगेटर बन गया है। इसका मतलब जितने भी आपको इक्विपमेंट और चाहिए एग्रीकल्चर के जितने भी सामान है आप रेंट पर ले सकते हैं, मतलब किराए पर ले सकते हैं, और ये 12 भाषाओं में मिलेगी ऐप, किराए पर ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कमबैक डिस्क्रिमिनेशन हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा दिल्ली। तो जो अभी कोप की पार्टीज क्या होती है, कोप एक क्लाइमेट चेंज की पार्टी है। कोप में अभी क्या हुआ था, तो इसका जो थीम थी वो आपके सामने, इन्वेस्टिंग इन लैंड अनलॉकिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो कोप जो है 2 सितंबर को अभी भारत में हुआ था इसका, ग्रेटर नोएडा में। पर्यावरण मिनिस्टर कौन है हमारे, प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी प्रकाश जावड़ेकर ही हैं भारत के, तो वो इसमें शामिल थे। 196 देश हैं COP में शामिल। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी द फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेस्ट्रिफिकेशन। तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया, जल्दी बताइए। प्रकाश जावड़ेकर जी मैंने बताया था कौन है वो, एक तो पर्यावरण मिनिस्टर है और एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। उन्हें हेड बनाया गया है इसके लिए, 2 साल को भारत को मेजबानी मिली है, आपको मैंने बताया था अभी कोप की। और अब की बार कोप की मीटिंग कहाँ हुई थी, ग्रेटर नोएडा में हुई थी। तो कोप में किसने, कितने देशों ने भाग लिया था, 196 देशों ने, 8000 लोगों ने भाग लिया था। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, रेगिस्तान और सूखे को देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेम ऑफ द लार्जेस्ट वॉर एक्सरसाइज ऑफ इंडिया आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स इन विच 17 माउंटेन कोर्स ऑफ इंडिया आर्मी विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिमविजय। तो आपको पता है कि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने एक साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की है, इसका नाम है हिमविजय। ये अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में की है, पहाड़ों सीमा पर जो चीन से मिलती है। आपको पता है आर्मी चीफ कौन है भारत के इस टाइम, बिपिन रावत जी हैं, और एयरफोर्स चीफ हैं आर के भदौरिया जी, एयरफोर्स चीफ। अरुणाचल सीमा जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चीन के बॉर्डर से मिलती है, तो आप समझ सकते हैं हिमविजय वहीं किया गया है। हिमविजय किस किस के बीच हुआ, इंडिया आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 19 क्वेश्चन, हु फ्लैग ऑफ द बस नेम जलदूत इन पुणे महाराष्ट्र बीच शो का द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर कन्वर्सेशन। तो जो अभी जलदूत बस एक चालू की गई है वो किसने की है, उसका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी। तो अब हमें पता है जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, और जल शक्ति मिनिस्टर पहली बार मंत्रालय बना है भारत सरकार में। तो जो ये बस का उद्देश्य है, महाराष्ट्र में 8 जिलों में घूमेगी ये, तो इससे ये है कि जल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पुणे से चली है ये बस। और पूरे महाराष्ट्र में अभी सूखा आ रहा था बीच में, तो महाराष्ट्र में पानी की जागरूकता फैलाने के लिए 2 महीने की यात्रा है ये, और महाराष्ट्र के 8 जिलों में चलेगी ये। तो जल शक्ति मिनिस्टर हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, और करा किसने है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑन एन इंडिविजुअल टू रिसीव गिफ्ट अप टू विच दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट एज पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2011 न्यू अमेंडमेंट। तो जो गिफ्ट हम ले सकते हैं कितनी सीमा तक, अब 1 लाख तक हमें किसी को, अभी पता है आपको कि पहले जो थी वो 25,000 तक की सीमा थी, कि 25,000 के ऊपर अगर हम गिफ्ट मिलेगा तो उसे सूचना हमें सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या नियम कर दिया है, अब 1 लाख तक आपको भारत मतलब किसी भी सरकार को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको 1 लाख तक का गिफ्ट मिलेगा तो आपको सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये सीमा क्या थी, 25,000 तक की थी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपके सामने, 21, विच बैंक हैज अप्रूव टू प्रोवाइड ₹3,000 करोड़ टू ग्रैंड मिनी एंड मेगा फूड पार्क अक्रॉस इंडिया। तो किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने। आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने जो अभी मतलब फूड और पार्क के लिए भारत को कितने हजार का, 3,000 करोड़ का मतलब रुपए दिए हैं, किसके लिए, ग्रैंड मिनी एंड मेगा फूड पार्क के लिए। तो हमें पता है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अभी बने हैं डेविड मालापास,
ये 13वें प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ माना जाता है, वो वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी कहाँ है, अमेरिका में, और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। हमें इन बातों का पता होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है 22। तो 22 में नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप विच इज द पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ 5 डेज मेडन इलेक्ट्रिक सिंगापुर इंडिया एंड थाईलैंड नेम सिंटमैक्स। तो ये जो अभी एक सिंटमैक्स हुआ है इंडिया थाईलैंड और सिंगापुर के बीच, तो ये इसमें भारत का कौन सा INS गया था, तो इसका नाम है INS रणबीर गया था, जिसका नाम है INS रणबीर। तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सिंगापुर जो सिंगापुर की कैपिटल क्या है, तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, और थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, और सिंगापुर में जो चलता है करेंसी वो डॉलर चलती है, सिंगापुरी डॉलर, और थाईलैंड में चलती है थाई बाट। तो हमें ये पता होना चाहिए, इन देश के साथ हमने एक्सरसाइज की है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द क्लीनेस्ट ड्राइव विच वॉज अंडरटेकन बाई इंडिया रेलवे एम टू कलेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम ऑल रेलवे परमिट टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर ए ग्रेट इम्पैक्ट अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक। तो क्या नाम था उसका, मैसिव श्रमदान, इसका नाम था इसका उद्देश्य था सभी रेलवे परिसर से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना। हमें पता है रेलवे मिनिस्टर इस टाइम वर्तमान में कौन है भारत के, पीयूष गोयल जी हैं, तो पीयूष गोयल जी इसके मिनिस्टर हैं, और इन्होंने कौन सा मैसिव श्रमदान ये योजना थी जिससे जागरूकता फैले सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, और जितने भी कचरे हैं सभी स्टेशनों से वो साफ किए जाएं, उसे इकट्ठा किया जाए और जागरूकता फैलाई जाए। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश। जो एक फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी खुली है वो कहाँ खुली है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, बीजेपी सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इसमें अभी ये आपको पता है कि ये जो यूनिवर्सिटी खुली है इसका एम है कि टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, तो ये समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ENDS वॉज इन न्यूज, वाट डज एन स्टैंड फॉर। तो इसमें बताना है कि हमें एन क्या होगा, तो फुल फॉर्म आपके सामने आ गई है। द फुल फॉर्म ऑफ ENDS की है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। तो निकोटीन आप समझते हैं, चाय और कॉफ़ी में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, और निकोटीन भी एक ऐसा नशा है, शराब की तरह नशा होता है निकोटीन। अगर एक बार लत इसकी पड़ जाती है तो वो चाय हो या शराब हो सब में मन करता है। तो अगले क्वेश्चन पर हम इस प्रकार चलेंगे। 26 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार आने वाला है। हाउ मैनी डेज वेज विल बी गिवन एज द बोनस टू ऑल 11.52 लाख नॉन गजेटेड एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉयज एज पर द पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB। तो इसमें कितने दिन तक का बोनस मिलेगा, मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा अभी रेलवे के कर्मचारी जो हैं। इसमें पता है आपको RPF और RPSF को छोड़कर जितने भी 11.52 लाख अनगजिस्टेड ऑफिसर हैं, मतलब जो गजिस्टेड ऑफिसर नहीं है रेलवे कर्मचारियों को, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 78 दिन की जो उनकी सैलरी होती है वो उन्हें बोनस के रूप में मिलेगा। इसका जो खर्चा आएगा भारत सरकार पर वो आएगा 2024.40 करोड़ का खर्चा आएगा भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। विच सिटी इज द सेट टू होस्ट द वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेटर फॉर एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्राइजेज वेब कहते हैं, जिसे सबमिट 2000 विद द थीम ऑफ मेक योर ओन बैग। तो इसकी जो थीम थी आपको पता चल गई, मेक योर ओन बैग, ये जो होती है महिलाओं को, मतलब महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सबमिट होती है, और ये कहाँ हुई है अभी, जयपुर, और जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान, और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस टाइम कौन है, अशोक गहलोत, जिसमें कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान की राजधानी आपको पता है जयपुर है। और बस इससे पहले आप ये बताएं कि आपको राजस्थान काफ़ी प्रसिद्ध स्टेट माना जाता है, हिंदी वाला राज्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। Who will chair the company law committee formed by Government of India for examining provision and issue related to Company Act 2013 implementation and the Limitation Liability Partnership Act 2008? तो जो इसका अभी एक कमेटी बनी है ला एवं कमेटी के, जो कंपनी कानून कमेटी बनी है, तो उसके हेड कौन माना जाएगा, इजंती श्रीनिवास इसके हेड होंगी, इजंती श्रीनिवास के हेड होंगे। तो इसका जो क्या है, ये इसलिए है कि आपको कंपनी का जो लॉ है, कंपनी लॉ ऑर्डर के लिए बढ़ावा देने के लिए, उसके नियम बनाने के लिए उसके बारे में एक कमेटी बनी है जो आपको सुझाव देगी भारत सरकार को कंपनी एक्ट के थ्रू।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाई विच ईयर इंडिया विल अचीव $26 बिलियन डिफेंस इंडस्ट्री टारगेट, तो ये कब तक का है, 2025 तक। ये किसने कहा है, डिफेंस मिनिस्टर भारत के राजनाथ सिंह ने अभी मीटिंग की थी, सोशल ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की एक मीटिंग थी दिल्ली में, उन्होंने वहाँ भाषण दिया था, तो भाषण में ये कहा था कि हमें जो टारगेट है 26 मिलियन डिफेंस इंडस्ट्री हमें टारगेट करना है 2025 तक हमारा टारगेट है। भारत के ये कौन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, और आपको ये पता है कि इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, जो मनोहर पारिकर जी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वाई हु लॉन्च द आयुष्मान भारत पखवाड़ा कंपेन टू इनहेंस अवेयरनेस अराउंड द प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर न्यूट्रिशन योगा एंड हेल्थ लाइफस्टाइल थ्रू आयुष्मान भारत, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो थे इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता और पोषण योग एवं स्वास्थ्य जीवन शैली पोष अभियान के लिए ये अभियान चलाया गया था और 23 सितंबर से ये शुरू किया गया था, तो जागरूकता फैलाने के लिए और योग के बारे में बताने के लिए इसके अध्यक्ष स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वाई विच ईयर 1.5 लाख हेल्थ सेंटर आर टू वी सेट अप अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम विच प्रोवाइड आर 5 लाख पर ईयर अंडर द इंश्योरेंस कवर, तो कब तक है इसका, 2022 तक। तो जो ये कवर करना है आपको 1.5 लाख हेल्थ सेंटर आर टू वी सेटअप 2022 अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। आपको मैंने बताया था आयुष्मान भारत स्कीम क्या क्या है, जो BPL कार्ड धारक हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक परिवार हैं, उन्हें 5 लाख तक का हर परिवार को बीमा कवर देगी भारत सरकार बीमा कवर। तो ये अब ये क्या है, 2022 तक हमें आयुष्मान 1.5 लाख हेल्थ सेंटर खोलने हैं, किसमें 5 लाख पर अंडर ये लिख रहा है इंश्योरेंस कवर कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द 12th सेंचुरी ब्राउन स्टेटस दैट वॉज रिटर्न टू द इंडिया बाई UK विच वॉज स्टोलन 57 ईयर्स एज एगो फ्रॉम द एल्कोले सर्वे ऑफ इंडिया ASI नालंदा साइट म्यूजियम इन अगस्त 1961। तो जो हमारा, हमें पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बुद्ध की एक प्रतिमा थी वो क्या हो गई थी, एक जो ये था म्यूजियम था उसमें से चोरी हो गई थी, तो वो आज 57 साल बाद हमने द्वारा अधिग्रहण कर लिया, नीदरलैंड में हमने द्वारा इसे खरीद लिया है, मतलब अपने म्यूजियम में मॉस्टिज में एक नीलामी के दौरान हमने इसे अधिग्रहण कर लिया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, बिहार में, और बिहार में बुद्ध की स्थिमा दी है, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और वो शराब पर प्रतिबंध लगा चुके हैं आपको पता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेम ऑफ द नेशन वाइड कंपेन लॉन्च बाई नेस्कॉम डाटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इन कोलाबोरेशन विद मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गूगल इंडिया दैट विल एजुकेट एंड यूजर ऑन द बेनिफिट ऑफ मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो जो ये डिजिटल पेमेंट है ये है राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, इसका नाम है डिजिटल पेमेंट अभियान इसका नाम है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकल मिनिस्टर कौन है, हमारे रविशंकर प्रसाद हैं IT मिनिस्टर, उन्होंने ये नई दिल्ली में लॉन्च किया है और 19 सितंबर को ये लॉन्च किया है इंडिया इवेंट के दौरान, और ये आप समझ सकते हैं तो इससे क्या काफ़ी फायदा होने वाला है भारत को। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैड पार्टनर्ड विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड स्किल इंडिया टू इंट्रोड्यूस द जॉब सेंट्रिक स्पोर्ट कोर्स ऑफ ऑफलाइन लोकेशन एंड NSD सेंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। अब इन चारों में आपको पता है कि गूगल पार्टनर विद नेशनल स्कीम, मतलब कौशल विकास मिनिस्टर हमारे भारत के हैं महेंद्र नाथ पांडे, जो UP से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है, सत्य नडेला जी, गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई जी, फेसबुक के कौन है, मार्क जुगरबर्ग, और IBM के कौन है, गिन्नी रोमटेली। तो इन चारों के हेड हमें याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, वेयर वाज द फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन समिट हेल्ड, जो अभी ये सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना का मैंने बताया राजधानी हैदराबाद पड़ती है। तो ये अभी ये समिट जो हुई थी इसमें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी भाग लिया था और तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी ने भी भाग लिया था, तो ये काफ़ी मददगार होने वाली है, ये कॉमर्स की फील्ड की समिट है। तो ये कहाँ हुई थी, ये इम्पोर्टेंट समिट है, हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 36 आपके सामने इस प्रकार है,
इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर श्री अमित शाह अनाउंस टू कंडक्ट फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस इन इंडिया, मतलब पहली बार भारत में डिजिटल जनगणना होने वाली है, तो उसके बारे में ये बताया गया 2021 में होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसके हिसाब से एक कार्ड की सुविधा हो जाएगी, मतलब एक कार्ड बनेगा आपका, उस कार्ड से सारा आपका बायोडाटा पता चल जाया करेगा। हमारे गृह मंत्री आपको पता है अमित शाह जी हैं, पहले ये भारत के जो बीजेपी पार्टी है उसके अध्यक्ष थे, अब ये गृह मंत्री बन गए हैं दोबारा जब मोदी सरकार बनी है। तो इन्होंने ही ये बताया है कि डिजिटल सेंसस इंडिया की 2021 में कराई जाएगी, जिससे एक कार्ड बनेगा जिससे सारा बायोडाटा उस पर ही रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी MSME प्रोग्राम अलोंग विद एनर्जी कन्वर्जन गाइडलाइन फॉर MSME। तो जो एक MSME द्वारा लॉन्च की गई है वो क्या है, उसका नाम है सीधी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि MSME जो मिनिस्टर हैं वो तो नितिन गडकरी हैं जी, लेकिन MSME स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर जो हैं वो गिरिराज सिंह जी बिहार से आते हैं वो, और सिडबी के अंदर आता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME जो है वो सिडबी के अंदर आता है, और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, और सिडबी के हेड है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये क्या है ऐप सीधी। विच लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहली बनी है पेपरलेस वो बनी है झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमें पता है झारखंड में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तारीख घोषित हो चुकी है, हमारे मुख्य इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है, कौन है सुनील अरोड़ा ने बताया है कि 30 नवंबर से चुनाव की तारीख शुरू हो जाएंगी झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन, रघुवर दास, और वहाँ की राजधानी क्या है, रांची। तो पहली पेपरलेस असेंबली बन गई है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म विच इज सेट टू गो प्लास्टिक फ्री इन ऑर्डर टू अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक एंड एनकरेज द यूज ऑफ जूट एंड क्लॉथ बैग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एक फिल्म बनी आ रही है, वो जो सिंगल फिल्म जो बनने वाली है उसमें आपको पता है कि उसका नाम क्या है, फिल्म का नाम है कुली नंबर वन, जो बन रही है 2020 में लॉन्च होगी, 1 मई 2020 में वो लॉन्च होगी, आपको पता होना चाहिए, लिख रहा है। और इस अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16 ग्लोबल SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बिजनेस समिट फॉर ईयर 2019 दैट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब हमें एक क्वेश्चन और पता लग गया है थीम तो हमें पता ही चल गई, मेकिंग इंडिया MSME ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, तो ये तो हमें थीम पता लग गई, लेकिन ये भी पता चल गया ये हेल्ड कहाँ हुई थी। तो SME की जो अभी मीटिंग हुई थी 16, ये हुई थी न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली किसकी राजधानी है, भारत की। और इसमें हमारी तरफ से किसने लिया था, नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने इसमें योगदान दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट विल बी द थीम ऑफ 15th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो इसकी थीम क्या होने वाली है, रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एंड एम्पावरिंग द नेशन। तो इसकी थीम क्या है आप समझ सकते हैं, जो ये साइंस फेस्टिवल हुआ था, होने वाला है, इसका साइंस फेस्टिवल है कोलकाता में होगा 5 कोलकाता में ये आपकी बार निर्धारित है, आप पढ़ सकते हैं कोलकाता। ये भी पूछ सकता है कि IISF का कहाँ होगा सम्मेलन, तो ये होगा कोलकाता में। कोलकाता किसकी, भारत का एक हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US टू बी हेल्ड इन आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश में अभी इंडिया और US के बीच हुई है, तो उसका नाम क्या है, एक्सरसाइज टाइगर थ्रिम। और एक एक्सरसाइज और है इंडिया और US के बीच, उसे कहते हैं युद्धाभ्यास, वो भी भारत US के बीच। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ 7th वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमी फोरम 2019 दैट हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। जो अब ये क्वेश्चन पता लग गया हमें कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमी फोरम की मीटिंग कहाँ हुई थी, मुंबई, और वो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के CM कौन है, देवेंद्र फडणवीस पहले थे, लेकिन अभी चुनाव हुए हैं, अभी कोई CM वहाँ बना नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी BJP और शिवसेना बन के आई है। इसकी थीम क्या थी, जो वर्ल्ड WHEF की इसकी थीम थी, ये लिख रहा है, प्रोस्परस सोसाइटी स्ट्रोंगर सोसाइटी। ये कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, और मुंबई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए हैं, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, कोशियारी जी अभी बने हैं राज्यपाल। तो अगले, मुंबई एक आर्थिक राजधानी भी भारत की कहलाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द मॉडर्न कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन विच प्रोजेक्ट इंडस्ट्री 4.0 विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिस ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इंडियन रेलवे। तो जो ये अभी मिशन बना है ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ है, तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, इंडियन कोच फैक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये IIT कानपुर के साथ मिलकर इसने क्या बनाया है, इंडस्ट्री 4.0 बनाया है।
तो आप समझ सकते हैं। तो आईआईटी कानपुर और रायबरेली उत्तर प्रदेश में जो पड़ती है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट बनाया है जिनका नाम है इंडस्ट्री 4.0 प्रोजेक्ट है। तो पता चल गया आपको कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेम द ई कॉमर्स वेबसाइट दैट विल बी लॉन्च बाई इनेबल MSME टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो अभी जो एक ऐप लॉन्च, मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की है, उसका नाम है भारत मार्ट। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो MSME के जो प्रोडक्ट हैं वो आप डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इसके थ्रू। इसका नाम क्या है, भारत मार्ट और MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इसके मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह स्वतंत्र प्रभार और नितिन गडकरी इसके वैसे मिनिस्टर हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने दे रखा है, इसका कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे आंसर। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया है, तो इस क्वेश्चन को और इस चैनल को, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा इस वीडियो के नीचे। तो मेरा चैनल है सक्सेस अड्डा, ये पार्ट वन वीडियो थी। पार्ट अभी दो तीन पार्ट और आएंगे जिसमें आपको 200 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा सितंबर के इंपॉर्टेंट। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं रोबिन सिंह आपके लिए एक बार फिर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।